झांसी में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगा हुआ, वहीं लोग अपने व्यापार को लेकर काफी परेशान हैं, जिसमें से रोज कमाने वाले लोगों के लिए एक संकट पैदा हो गया, जिसमें से एक ऐसे लोग भी हैं जो अपने टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। टैक्सी चालकों ने स्टेशन पर प्रदर्शन करते हुए अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि विरोध भी किया है, वहीं पर स्टेशन पर रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है, जिससे कि वह बाहर से आने वाली सवारियाँ अब डायरेक्ट स्टेशन से ही बैठकर अपने क्षेत्र के लिए निकल जाती हैं, जिससे टैक्सी वालों को काफ़ी परेशानी को सामना करना पड़ता है। उसका कहना है कि रोडवेज बसें वाले स्टेशन पर ना आकर सवारियां बस स्टैंड तक ले जाए, जिससे हम अपने लोग अपने सवारियों को स्टेशन से बस स्टैंड तक छोड़ सके और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सके, ये हमारी पूरी मांगे हैं। प्राइम बेकिंग न्यूज़ शरी के लिए रामपाल प्रजापति के साथ कैमरामैन संतोष यादव की रिपोर्ट। मोहम्मद हफीज, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? भैया भूखे मरने पे नौबत है, बिल्कुल धंधा नहीं कर पा रहे, बस वाले मार रहे, सिपाही मार रहे, इधर पे सभी सवारियां बस वाले ले जा रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। सवारी कहाँ से ले जा रहे हैं आप लोगों की? रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन से कहाँ के लिए ले जा रहे हैं? गोरखपुर, चिरगांव, मोठ, समतर, सब कहीं बिठा लिया। आप लोग क्या जा रहे हैं? आप जो बताओ, आप लोग क्या जा रहे हैं? हम लोगों को भैया इधर से बस स्टैंड तक जाने तक का किराया नहीं मिल रहा है। आप लोग क्या जा रहे हैं ये बताइए? आप लोग अभी तक कहाँ की सवारी ले जा रहे थे? अभी तक आप कहाँ की सवारी ले जा रहे थे? राड, महुआ, जदरपुर, कानपुर, लखनऊ, और उसके बाद ये लोग 35-35 रुपए की सवारी भी नहीं छोड़ रहे हैं चिरगांव की। हम लोग क्या करें बताइए साहब। ये रोड पर बसें लगी कहाँ कहाँ जा रही हैं? देखो, उरई, कानपुर, गोरखपुर, चिरगांव, मोड़, समतर, वो औरैया, इलाहाबाद, हर जगह की सवारी बिठा रहे हैं ये लोग, कहीं की भी सवारी नहीं छोड़ रहे हैं। सुबह की टाइम पर राट, महुआ, छतरपुर की बसें आ जाती हैं। आप लोग हड़ताल कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हड़ताल कर रहे हैं। क्या करें साहब, बहुत परेशान हो गए हैं, क्या करें बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।